नमस्कार। आज विधानसभा कसौली की कोट बिजा क्षेत्र में आए और यहाँ पर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। तो आज जिस प्रकार से आज यहाँ पर एक मुख्य तौर पे कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें हमारे कसौली मंडल के अध्यक्ष भाई प्रदीप ठाकुर जी को बनाया गया और हमारे महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बहन सीता ठाकुर जी को बनाया गया, जिला महामंत्री बहन मंजू गौड़ जी को बनाया गया। उसके साथ साथ आज इस कोट बिजा में हमारे जितने लोग हैं कसौली विधानसभा के, तो उनको पार्टी के साथ जुड़ने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक परिवार को साथ में जोड़ेंगे। और अभी जो पार्टी है, पार्टी का जो प्रचार प्रसार है पूरे हिमाचल प्रदेश में चला है, डोर टू डोर चला है। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में हमारी कार्यकारिणियाँ बनती जा रही हैं, लोग डोर टू डोर प्रचार पर चले हैं और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कोट बिजा में आए और कसौली विधानसभा में आए। यहाँ पे उम्मीद ये करते हैं कि कसौली विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है वो इस बार देवभूमि जनहित पार्टी की झोली में जाएगी। बहुत सारे लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, भाजपा कांग्रेस से जुड़े हैं, वो भाजपा कांग्रेस का दामन छोड़ के वो समाज का साथ देंगे और देवभूमि जनहित पार्टी का दामन थामेंगे। ऐसे ही हम लोग विश्वास रखते हैं, ऐसे ही हम लोग कामना करते हैं। और आपके माध्यम से मैं एक मीडिया के माध्यम से एक बात और रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हमारे पंचायत सेक्रेटरियों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा चला है, हमारे पंचायत सेक्रेटरी जगह जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में जिनकी संख्या लगभग 4700 है, वो जगह जगह अपनी मांग को लेकर वो लोग हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, पेन डाउन स्ट्राइक उन्होंने की है और जिनकी एक ही मांग है कि जो उनके पद हैं पंचायत सहायक है, यही तकनीकी सहायक है, उनको पंचायती राज विभाग में उनको मर्ज किया जाए और एक ही मांग को लेकर वो लोग बेचारे बैठे हैं। तो हम उनकी मांग का पूरी की पूरी पुरजोर समर्थन करते हैं और पार्टी की तरफ से हम पूरे हिमाचल प्रदेश के 4700 जो लोग ये पंचायत सचिव सहायक जेई के जो लोग बैठे हैं उनको हम ये आश्वासन देना चाहते हैं, ये वादा करना चाहते हैं कि अगर हमारी पार्टी आती है तो आपकी इस मांग को प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाएगा। हमारी पार्टी का और हमारे संगठन का पुरजोर समर्थन आपके साथ है। आप चिंता ना करें, डटे रहिए मैदान में, पूरी तरीके से डटे रहिए और हिमाचल प्रदेश में जो भी मुद्दे होंगे, जिस भी प्रकार से होंगे, किसी को भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को, किसी भी कर्मचारी संगठन को हम लोग आंदोलन करने पर एटलीस्ट हम लोग मजबूर नहीं होने देंगे, यही उम्मीद, यही हम लोग कामना करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत कसौली से आपका उम्मीदवार कौन होगा जी? जी देखिए, कसौली विधानसभा से जो भी उम्मीदवार होगा तो वो यहाँ के जो हमारी कार्यकारिणी है, यहाँ के लोग हैं, वो सर्वसम्मति से तय करें और जिसका नाम भी